शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई। ओम शांति। 14 दिसंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, हे कन्याएं तुम अब कमाल करके दिखाओ, तुम्हें मम्मा के समान बनना है, अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्टो मोहा बनो। तुम शिव शक्तियां हो, उछल मारने वाली, बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए, इसको ही कहा जाता है मौलाई मस्ती। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। गीत है माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, यह है मम्मा की महिमा, माताएं तो ढेर हैं परंतु मुख्य है जगत अम्बा। यही जगत अम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है, फिर पहले वह खुद ही जगत का मालिक बनती है, तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो। भारत की सौभाग्य विधाता यह जगदम्बा ही है, उनको कोई जानते ही नहीं, जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। जगदम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी है, क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत हैं, शक्ति सेना है ना। तो तुम कन्याओं माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए, अपना सौभाग्य बना लो। अम्बा के मंदिर में तुम इस गीत पर माता ओ माता तो ही सबकी भाग्य विधाता जाकर महिमा करो तो ढेर आ जाएंगे। तुम भी नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बन रही हो, संपूर्ण पास हो जाएंगे तो फिर दैवी जन्म मिलेगा। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, जो खुद जागृत होगा वही जागृत कर सकेंगे। जगत अम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। लक्ष्मी को धन दिया जिससे दान कर सकती हैं, लेकिन वहाँ तो दान आदि होता नहीं, दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। यह ईश्वरीय मिशन चल रही है, जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। भारत पर ही खेल है राम और रावण का, भारत की रावण से हारे हार है, फिर रावण पर जीत पहन राम के बनते हैं, राम कहा जाता है शिव बाबा को। तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे, फिर दैवी गुण भी चाहिए। अच्छा, आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ, माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए, शिव शक्तियां बाप का नाम बाला कर सकती हैं। प्रश्न है, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? उत्तर है, हे कन्याएं तुम अब कमाल करके दिखाओ, तुम्हें मम्मा के समान बनना है, अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्टो मोहा बनो, अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है, तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर पड़ेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है, संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। दूसरा है, इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है,
नष्टो मोहा बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है, सबका सौभाग्य जगाना है। आज का वरदान है दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भाव। जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे ते अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियाँ हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। आज का स्लोगन है संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोग के संस्कार इमर्ज ही ना हो। ओम शांति।